नमस्कार, मैं साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। नगर अध्यक्ष झाड़े को हटाने की कवायद शुरू। रिश्वत प्रकरण मामले में वाणी नगर परिषद में उथल पुथल। अब नगर अध्यक्ष की कुर्सी पर राजनीति। नगर अध्यक्ष झाड़े को हटाने की कवायद शुरू। जिलाधिकारी ने कूट नेता को नियुक्त किया। वाणी नगर परिषद में हमेशा चर्चा में रहती है। अब नगर अध्यक्ष रिश्वत प्रकरण को लेकर काफी चर्चा में है। बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने वाड़ी के नगर अध्यक्ष प्रेमनाथ झाड़े को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। इस कार्रवाई को प्रेम झाड़े ने साजिश बताया है। पार्टी में है नाराज। गौरतलब है कि 19 फरवरी को नगर अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर मुख्यमंत्री पालक मंत्री तथा जिला अध्यक्ष राजीव पोद्दार ने दो पद में से एक पद प्रेम झाड़े को छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन झाड़े ने जिला महामंत्री के पद से तो इस्तीफा दिया पर नगर अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार नहीं हुए। इसे लेकर पार्टी में नाराजगी थी। इस बीच प्रेम झाड़े ने विपक्ष को साथ लेकर नगर परिषद चलाने लगे। निधि का भी सम्मान वितरण किया, लेकिन विधायक समीर मेघे के खेमे के नगर सेवक सरिता यादव, कल्पना सखदेव, कैलाश मंथापुरवार को वार्ड निधि नहीं देने से विधायक मेघे झाड़े से नाराज चल रहे थे। विधायक का कहना था कि सभी को निधि समान मिले। विधायक ने नगराध्यक्ष के इस रवैये की जिलाधिकारी से शिकायत भी की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। वाणी नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष अनुसूचित जाति के लिए 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद रोस्टर के अनुसार ओपन के लिए 2.5 साल के लिए अध्यक्ष चुना जाने था। अध्यक्ष पद की इस रेस में पार्टी के नरेश चरडे व प्रेम झाड़े का नाम सामने आने पर मुख्यमंत्री ने दोनों को 2.25 साल के लिए अध्यक्ष बनाने की बात कही थी। पहुंची थी एसीबी। इस प्रकरण में जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को प्रेम झाड़े नगर परिषद के दफ्तर में बैठे, दिन भर कामकाज संभाला और फिर वाड़ी विकास के लिए सक्रिय होने की बात कही। इधर झाड़े के घर पर भंडारा के एसीबी के अधिकारी आने की खबर मिलते ही झाड़े नगर परिषद दफ्तर से सीधे अपने घर चले गए। नगर अध्यक्ष प्रेम झाड़े को हटाने के लिए भाजपा गुट में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार नगर अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास नहीं लाया क्योंकि अविश्वास पारित करने के लिए 19 पार्षदों का समर्थन चाहिए। बीजेपी के लिए 19 का आंकड़ा जुटाना मुश्किल है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।